अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम लोग जा रहे हैं औरंगी टाउन ऑरेंज लाइन बस। तो गाइस आज हम लोग थोड़ा रिव्यू करने जा रहे हैं। तो भाई 20 रुपये की इसकी टिकट है। ये लो भाइयों हमारी बस आ गई है और नाउ वी आर गोइंग टू जी। किस तरफ और उमर भाई असल मजा तो वापसी पे आएगा। वापसी भी ऐसी है निकलती है सनम गलत तो नहीं बैठा हो गई है सनम नहीं सही है देखो फुल एसी में और फैसिलिटी चार्जिंग पोर्ट भी मिल रहा है आपको यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट के साथ। ये देखो आप जैसे कि आप देख सकते हैं चार्जिंग पोर्ट सही है और इमरजेंसी शीशा तोड़ने के लिए मिला है। इमरजेंसी सूरत हाल में आप ये हिमर लो और तोड़ो शीशा। फायर की फैसिलिटी भी है आपको जैसे दिखाए ये देखेंगे फायर की फैसिलिटी है। खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए तो फायर की फैसिलिटी है बट आप ये देख सकते हैं कि पूरी गाड़ी क्या नाम है इलेक्ट्रिक है तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फुल्ली ऑटोमेटिक है हर जगह आपको ये देखें एसी डक्स मिलेंगे। कैसा एसी डक्स मतलब मुंह पे ठंडा ठंडा मतलब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं आपकी ज़िंदगी वैसे ही ठंडी हो जाएगी। अगर आप ज़्यादा ठंडे पड़ गए तो 4 घंटों पर जाओगे बफर कितना। नाउ द बस इज स्टार्ट और ये हमारी बस स्टार्ट हो गई है जैसा कि आप देख सकते हैं हम जा रहे हैं। रिव्यू दिखा बाहर देख सकते हैं आप लोग बाहर कितना प्यारा ये तो स्टार्ट पे स्पीड पे आ गई इलेक्ट्रिक है हमने भी आज तक कभी ऊपर से नहीं देखा। ये है जामा मस्जिद घोसला ये जी जामा मस्जिद घोसला हम जा चुकी है और ये देखें हमारे निहाल भाई हैं ये हमारे फैसल भाई हैं। मुझे इसको अपने फेस पे करना होगा हाउ टू डू क्या ये मैं हूँ थोड़ा अजीब सा लेकिन हूँ। अरे चलो रिक्शे वाले रिक्शा वाला तेजी में जा रहा है चले जी ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़ सबको। अभी अल्लाह हाफिज़ नहीं अभी मतलब अभी आगे दिखाएंगे हम जाँच चप्पलों पे गौर नहीं करिएगा फिर। ये लो पहला स्टॉप आ गया हमारा ये हमारा पहला स्टॉप ये रहा हमारा पहला स्टॉप। क्या स्क्रीन में क्या लिखा हुआ आया थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ। और यहाँ से भी लोग अंदर आ रहे हैं फिर नेक्स्ट स्टॉप सही 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 अच्छा तो बस के सारे जो हमने अभी क्या बात करें तो बस है जैसे कि थोड़ा बस छोटी है और ग्रीन वाली थोड़ी से बड़ी है। नहीं असल में बात सारी है कि ग्रीन वाली बड़ी नहीं है बस हमें बस नॉर्मल ही है सही है बस का साइज़ बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आप ग्रीन वाले से कंपेयर कर दो ना तो ग्रीन वाले का आप ये देखो उसके क्या नाम है उसमें कंसप्शन ज़्यादा है सही है और दूसरा उसके क्या नाम है बाइक पे एक और बस है क्योंकि वो डबल डेकर है ठीक है और इस पे जेंट्स और आई थिंक जेंट्स और लेडीज़ का अलग अलग है जेंट्स और लेडीज़ का अलग हाँ है थोड़ा लेकिन उसमें तो बिल्कुल अलग ही पार्टीशन है ना जैसे एक बस जेंट्स के लिए और एक बस लेडीज़ के लिए। तो आप जब उस बस में बैठोगे ना इंशाल्लाह उसका भी आपको रिव्यू देंगे जल्दी जल्द से जल्द।
अभी देखिए हमारा स्टेशन आने वाला है बहुत जल्दी बहुत करीब आ गए। नेक्स्ट टाइम से इंशाल्लाह आपके साथ हम जब भी आएंगे गिटार लेकर आएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अभी ज़रा आवाज़ बैठी हुई है तो इस हफ्ते ज़रा गिटार नहीं बजा सकते यहाँ पे। नेक्स्ट टाइम बजा दे बैक विद द गिटार। ओके ब्रो स्क्रीन में दिखाओ, ये देखें ना बोले जो भी दिखा रहा है वो भी थोड़ा दिखाओ, ये देखें अभी तिरपान हो जाएगी मुझे लगता है। इधर करीब मेरी नानी का घर आ गया। अच्छा तुम्हें 15 रुपए में मिलेगा यहाँ तक? नहीं नहीं जहाँ पे भी जाए 20 रुपए 20 रुपीज टिकट है। अब जैसे कि तुम देख रहे हो ना ये सारी जितनी भी कूलिंग वेंट जा रही है ये आपके बॉडी टेम्परेचर तक की रहेगी, उससे ज़्यादा मतलब बर्फ़ तो नहीं बनाना ना सबको, इसलिए अगर आप गर्मी लगे गर्मी तो लगेगी ना क्योंकि हम लोग अब इसकी बॉडी टेम्परेचर मतलब इसके बस के टेम्परेचर तक आ गए। अब ये देखो ये रोड पर आ गई स्टार्ट हो गई, अब ये देखिए वहाँ जाएगी यार ऐसी कूलिंग तो नहीं कर रहा है हवा आ रही है भाई ठंडी ठंडी। चलो भाई गेट खुल गया, बोला कौन बोला पीछे से? कंप्यूटर जी बोले भाई हम लोग बस से उतर चुके हैं, काफ़ी अच्छा रहा हमारा सफ़र। और उमर भाई आपको कैसा लगा ज़रा बताएंगे आप? वैसे ना पूछो तो अच्छा है क्योंकि अच्छा ही अच्छा है। सही मज़ा आया।